नमस्कार दोस्तों, बहुत कुछ कहा जा रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन दो इंटरव्यूज के बारे में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि और भी कुछ इंटरव्यूज दिए जाएंगे और इन इंटरव्यूज में सही मायने में प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो कि उनकी साख के अनुरूप हो, जो कि उनके कद के अनुरूप हो। क्योंकि माफ कीजिएगा कि दोनों इंटरव्यूज जो किए गए हैं, मेरे हिसाब से चाटुकारिता की जो न्यूनतम मिसाल हो सकती है, ये दोनों इंटरव्यूज उसी के उदाहरण थे। अगर ये इंटरव्यू मैं करता तो वो कौन से सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता। सबसे पहला सवाल, और इसका ताल्लुक विदेश नीति से है, पाकिस्तान से हमारे संबंध जो हैं बद से बदतर हो चुके हैं। हालात ये हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार गोलीबारी चलती रही है। पिछले कुछ अरसे में, पिछले एक या दो हफ्तों में न जाने कितने नागरिक मारे गए हैं, न जाने कितने जवान शहीद हुए हैं। यही नहीं, डोकलाम पे जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, डोकलाम पर फिर से चीन काबिज हो गया है। नेपाल में इस वक्त एक ऐसी सरकार है जो कि भारतीय हितों के अनुरूप नहीं है, और वो भी लगातार चीन की तरफ जा रहा है। तो मेरा सवाल यह होता प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री, हम लगातार दक्षिण एशिया में घिरते जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी जो हैं वो हमसे दूर होते जा रहे हैं, उनसे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि इस कदर तनाव बढ़ाकर और तनाव को कम ना करने की कोशिश करके भारत के हितों में यह कैसे हो सकता है? यह कौन से सामरिक हित की पूर्ति कर रहा है इस तरह का तनाव? यह मेरा पहला सवाल होता, और इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल होता, क्योंकि बाहर तो तनाव बढ़ रहा है, यानी कि चीन से, भारत, पाकिस्तान से, नेपाल से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है। ऐसे में आंतरिक तनाव जो हाशिए पर गुट हुआ करते थे, जिन्हें हम फ्रिंज कहते थे, अब वो मुख्य धारा में शरीक हो गए हैं, और मुख्य धारा में ऐसे ही शरीक नहीं हुए। इन्हें शरीक करने में, इनको शामिल करने में बीजेपी की राज्य सरकारों का हाथ है। जिस तरह से करणी सेना के पक्ष में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश की सरकारें उभर कर आई हैं, ये वाकई शर्मनाक है। तो सवाल ये मोदी जी, मेरा दूसरा सवाल होता कि बाहरी तनाव तो बना हुआ है, उसे कम करने को लेकर कोई योजना नहीं है, आंतरिक तनाव भी बना हुआ है, तो क्या यह भारत के हित में है कि वो दोहरा तनाव का सामना कर सकता है? और इसी से जुड़ा मेरा तीसरा सवाल होता, तीसरा सवाल मेरा यह होता कि आखिर क्यों आप खामोश हैं जिस तरह से हिंसा को बढ़ावा देने वाले गुट जो हैं वो लगातार अपना वर्चस्व देश में कायम कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप खामोश हैं? और जब आप दुनिया भर में यह अपील कर रहे हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, भारत में आके निवेश कीजिए, क्या आपको वाकई लगता है कि जिस तरह की लाल फीताशाही इस देश में है, कोई इन्वेस्टर आके भारत में विनिवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा, अगर इस तरह की आंतरिक अस्थिरता होगी, अगर इस तरह से गाय के नाम पर, इस तरह से बेवजह मुद्दों के नाम पर तनाव पैदा होगा, तो क्या ऐसे में कोई दूसरी कंपनी, बाहरी कंपनी आकर देश में निवेश करेगी? और इसको लेकर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप लगातार खामोश बने हुए हैं, आप इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। आपकी राज्य सरकारों के रवैये से स्पष्ट है कि आप उनके कान भी उमेट नहीं रहे हैं, आप उन्हें भी कटघरे में नहीं रख रहे हैं, जिस तरह की उनकी कार्रवाई है, जिसका मतलब आपकी खामोशी बनी हुई है और आपकी खामोशी चिंता करने वाली है। तो तीसरा सवाल यह होता कि इन आंतरिक गुटों में, ये जो आंतरिक हिंसा फैलाने वाले गुट हैं, इन पर आपकी खामोशी क्या कहती है? और इसी से जुड़ा मेरा चौथा सवाल होता कि अगर आपकी खामोशी बनी हुई है तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है फिर से एक मुकाम में पहुंचाएंगे आप कैसे? क्या आपको वाकई लगता है कि इस तरह की खामोशी दुनिया भर में भारत को लेकर जो है वो एक विश्वास पैदा कर पाएगी? फिर मैं आपसे
जो पांचवा सवाल मेरा होता, मैं वो आपसे ये पूछता कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि सियासी तौर पर चाहे जीएसटी हो, चाहे आधार हो, चाहे एफडीआई हो या चाहे पेट्रोल के बढ़ते दाम हो, सियासी तौर पर आपकी जो सोच इस वक्त है इसके बिल्कुल उलट पहले हुआ करती थी। हम सब जानते हैं कि जीएसटी को रोकने में आपका कितना बड़ा किरदार था जब आप मुख्यमंत्री गुजरात थे। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल के बढ़ते दामों पर आप किस तरह से कटघरे में खड़ा किया करते थे। हम सब जानते हैं कि एफडीआई के मुद्दे पर आपने यह तक कह दिया था कि मनमोहन सिंह सरकार ने देश के हितों को ताक पर रख दिया है, देश को बेच दिया है। तो मेरा जो पांचवा सवाल आपसे यह होता मोदी जी कि मुझे बताइए कि क्या हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, क्या सियासत और गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा फर्क है और इस फर्क को अब जाके आप समझ रहे हैं जब आप सत्ता में हैं। मेरा छठा सवाल मोदी जी से यह होता कि क्या वजह है कि भाषा की गरिमा लगातार गिरती जा रही है, क्या वजह है और क्या वजह है कि इसे गिराने में आप भी किसी तरह का कोई अंकुश नहीं डाल रहे हैं, बल्कि आलोचकों का तो यह मानना है कि उसके गिरने में आपका भी एक योगदान रहा है। क्या वजह है, क्या वजह है कि इस कटुता को बढ़ाने में आपका भी योगदान दिखाई दे रहा है, और अगर इस तरह से कटुता बढ़ती जाएगी तो सियासत किस दिशा में बढ़ेगी, चाहे शमशान कब्रिस्तान वाली बात हो, चाहे कांग्रेस को दीमक बताने वाली बात हो। यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि एक स्टेट्समैन की जो उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं वो किसी तरह से नदारद है, वो पूरी तरह से गायब है और ये मुझे चिंतित कर रही है। आप भारत में जो सियासत है उसके स्तर को, उसके संवाद के स्तर को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके अलावा मेरा आपसे ये भी सवाल होता कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों में आप क्या खूबियां देखते हैं? या फिर सातवां सवाल यह भी हो सकता है कि इन तीनों में सियासी तौर पर आपको सबसे कठिन चुनौती किससे मिलने वाली है? हालांकि मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो हैं एक ही मोर्चे पर हैं, तो इन नामों में कुछ और लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। सातवें सवाल में हम ममता बनर्जी को शामिल कर सकते हैं। वामपंथी दलों की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वामपंथी दल जो है उनका वर्चस्व, उनका अस्तित्व जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो ऐसे में प्रतिद्वंद्विता के नाम पर आप किसे बड़ा खतरा मानते हैं, ये मेरा आपसे सातवां सवाल होता। मेरा आठवां सवाल आपसे ये होता कि अब आप ये तक कहने को मजबूर हो गए हैं कि मुझे सिर्फ नोटबंदी और जीएसटी पर ना आंका जाए। आपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि मुझे नोटबंदी या जीएसटी पर ना आंका जाए। तो जो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि जिसे आप गिनाते थे नोटबंदी, उस पर आपने यू टर्न क्यों ले लिया है, जैसे आपने और अन्य कई मुद्दों पर लिया है? तो क्या आप यह स्वीकार कर रहे हैं मोदी जी कि जीएसटी और नोटबंदी पूरी तरह से असफल साबित हुई है? क्या जीएसटी और नोटबंदी हमारी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े गतिरोधक साबित हुए हैं? इसके बाद जो मेरा सवाल आपसे होता, मेरा नौवां सवाल आपसे यह होता मोदी जी, आप सोशल मीडिया पर दुनिया भर में जो एक्टिव लोग हैं सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, आप तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, और यही वजह है कि मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि आपका जो बयान है, आपकी जो बयानात है वो सुविधावादी क्यों है? क्या वजह है कि जिन मुद्दों पर आपको बोलना होता है वो छोटे से छोटे मुद्दे पर बोल देते हैं, मगर आप बड़े से बड़े मुद्दे पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं जबकि आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का सुविधावादी प्रयोग क्यों, इस मीडिया के जरिए आप क्यों नहीं हर मुद्दे पर अपनी बात रखें जिससे देश में सामंजस्य स्थापित हो?
और मेरा दसवां सवाल, या ये कह सकते हैं कि नौवां सवाल भी का दूसरा अंश इससे है कि क्या वजह है कि आप गालीबाजों, क्या वजह है कि आप बलात्कार की धमकी देने वालों, हत्या की धमकी देने वालों, दूसरों की मौत पर जश्न मनाने वाले लोगों को आप फॉलो करते हैं। मैं जानता हूं कि उसका जवाब यह होता कि आप कहते कि इन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, जिस तरह से आपके तमाम जो लोग हैं वो ये कहते हैं। मगर जब आपकी टाइमलाइन पर आप इस तरह की अभद्रता देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि ये जो तमाम लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, ये आपकी टाइमलाइन पर आते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं जब वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? मैं आपसे यह भी पूछना चाहता, और यह मेरा आखिरी सवाल होता, कि क्या वजह है कि पत्रकारों के प्रति आप इतने असहज क्यों हैं? यानी कि जो पत्रकार आपका गुणगान करें उनके साथ आप खुलकर बात करते हैं, मगर जो आपकी आलोचना करें, जो आपके कठिन सवाल करें, आप उनसे दूर भागते हैं। क्या वजह है? और क्या वजह है कि आपसे इंटरव्यू मेरा जैसा शख्स कभी नहीं कर सकता, जो आपसे कठिन सवाल पूछना चाहेगा? क्योंकि आपके ऐसे कठिन सवालों से ही इस देश की दशा और दिशा तय होगी। तो दोस्तों, ये वो 10 सवाल थे जो मेरे जहन में अभी अचानक आया, और यही वजह है कि मैंने इस ब्लॉग को, अभी वीडियो ब्लॉग को रिकॉर्ड किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आने वाले इंटरव्यूज में उनसे जो सार्थक सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, कठिन सवाल हैं वो पूछे जाएंगे, क्योंकि इस देश का जो मुखिया है उसे हमेशा जवाबदेही के लिए तैयार होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कटघरे में रहता है, मगर जवाबदेही बेहद जरूरी है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।